आखिरकार दोस्तों, बिहार में एयरटेल 5G लॉन्च हो चुकी है। ये सर्विस पटना में लॉन्च की गई है सोमवार से। एयरटेल 5G को पिछले महीने पेश किया गया था। कंपनी धीरे धीरे करके इसे बाकी जगह भी बढ़ा रही है। एयरटेल 5G को बाकी काफी जगहों पर इसे उपलब्ध नहीं कराया गया, ये भी धीरे धीरे काम चल रहा है। इसे अभी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही रखा गया है, वो सर्विस दी गई है। कहा जा रहा है कि 4G से 20 या 30 गुना ज़्यादा स्पीड एयरटेल 5G की मिलेगी। बाकी देखते हैं क्या होगा असल में। एक अखबार के अनुसार ये बताया गया है कि बिहार में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया में सेवा शुरू होगी, और वो भी रिलायंस जियो के द्वारा। फिर उनके बाद बिहार में ही सीवान, बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर का नंबर आएगा। अगर आप इन जिले से हो तो आपको जल्दी ही सुविधा मिलने वाली है इंटरनेट की, 5G की। पर आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो एक अच्छी सी मूवी जल्दी डाउनलोड करें। नहीं तो कुछ लोगों को कहीं दूर जाकर उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपने सरकारी दफ्तरों में काम करना पड़ता है, पर वहाँ भी इंटरनेट की सेवा अच्छी नहीं है, भले ही 4G क्यों ना आ गया हो। अब 5G में क्या होगा ये तो रब ही जाने। पर रही बात, देखते हैं क्या होगा। पर कुछ लोगों का कहना था कि 4G बेशक आया हो, यहाँ तो 3G 2G की स्पीड भी नहीं आती। अगर आप उन शहरों से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना, और आपका क्या अनुभव है कि आपके शहर में आपके जगह पर कितनी स्पीड आ रही है, ये ज़रूर लिखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो के लिए और नई अपडेट के लिए। तो बाय दोस्तों।